हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PGPM। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोबेबिलिटी में किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, ये सब आज की वीडियो में हम देखेंगे। और एक्चुअल में स्टूडेंट्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस तरीके से हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टूडेंट्स जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, Px इज इक्वल टू एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स n जो है वो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, जो n है स्टूडेंट्स वो नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है। यहाँ पे p स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, p स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पर होती है, और q स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है। स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं एक्चुअल में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत क्या पड़ी। स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअल में यहाँ पे यूज क्या है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो फिर स्टूडेंट्स अदर डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे लाइक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और अदर डिस्ट्रीब्यूशन, इतने सारे फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं, तो उन सब की ज़रूरत क्या है, इन सब पर आज हम डिटेल्ड स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स चर्चा करेंगे, किस तरीके से हमें अप्लाई करते हैं और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन को हम समझते हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट्स, तीन सिक्कों को उछाला जाता है, तो स्टूडेंट्स उसका जो सैंपल स्पेस बनता है वो क्या बनता है। स्टूडेंट्स, सैंपल स्पेस हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड और टेल टेल टेल, ये स्टूडेंट्स उसका सैंपल स्पेस बनता है। टोटल स्टूडेंट्स इसमें सिक्के को अगर हम तीन बार उछालते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस स्टूडेंट्स आठ होते हैं। अगर स्टूडेंट्स मैं एक एग्जाम्पल लूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे पूछा जाए स्टूडेंट्स लाइक दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें इस क्वेश्चन में दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो स्टूडेंट्स देखिए एक बार दो बार और तीन बार स्टूडेंट्स यहां पर दो हेड आ रहा है। टोटल स्टूडेंट्स सैंपल स्पेस हमारे पास आठ हैं, तो स्टूडेंट्स यहां पे जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी वो 3/8 हो जाएगी। लाइक दो बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो यहां पर होगी स्टूडेंट्स वो 3/8 होगी। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे बोल दूं कि 10 सिक्कों को उछाला जाता है, तो स्टूडेंट्स अगर 10 सिक्कों को उछाला जाए तो सैंपल स्पेस स्टूडेंट्स कितने बनते हैं, 2/10 हो जाएगा, और 2/10 स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल स्पेस होंगे। और अगर स्टूडेंट्स हम 2/10 टोटल स्पेस को लिखने बैठेंगे तो करीब करीब स्टूडेंट्स एक दिन तो लग ही जाएगा इसके सैंपल स्पेस बनाने में। तो इसलिए स्टूडेंट्स इस टाइप के टिपिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके स्टूडेंट्स हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टूडेंट्स फॉर्मूला ये होता है, हमें पता है Px इज इक्वल टू एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। यहाँ पे n स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, p स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, और q स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है। स्टूडेंट्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कब अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स इसमें तीन कंडीशन होनी चाहिए, ऑल द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, सभी ट्रायल्स जो हैं स्टूडेंट्स वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ n ट्रायल्स आर फाइनाइट, नंबर ऑफ n ट्रायल्स जो हैं स्टूडेंट्स उनको फाइनाइट होना चाहिए, और स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सम ऑफ ईच ट्रायल्स, स्टूडेंट जितने भी हम ट्रायल्स लेते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस स्टूडेंट्स सेम आनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं स्टूडेंट्स, देन हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये स्टूडेंट्स इसका एप्लीकेशन होता है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से किस तरीके से सिंपली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर इसी क्वेश्चन को हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना चाहें, मैं एक बार फिर से बता दूं, इसी क्वेश्चन को अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। स्टूडेंट्स हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दो बार हेड आने की, तीन बार हमने सिक्कों को उछाला है, तीन सिक्कों को उछाला है स्टूडेंट्स, और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है दो बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इस फॉर्मूले में स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो, और स्टूडेंट्स मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पे पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है,
है, क्यों प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बता दूँ आपको पी प्लस क्यू इक्वल टू होता है 1। और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्यू की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी यहाँ पर हो जाता है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल्स टू 1 होता है। और इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल्स टू एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स स्टूडेंट्स 3 हमें देके रखे, हम 3 बार सिक्के को उछाल रहे हैं, 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें 3 देके रखे हैं, मीन्स एन इज इक्वल टू स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 हो जाएगा बिकॉज एन इज नंबर ऑफ ट्रायल्स। और यहाँ पे स्टूडेंट्स पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 है और स्टूडेंट्स क्यू भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी 1/2 हो जाएगा, तो पी और क्यू दोनों की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/2 है। वैल्यू स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पुट कर देंगे, एन की जगह 3 पुट करेंगे, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर 3 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। स्टूडेंट्स एक्स की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, एक्स की जगह पे स्टूडेंट्स 2 पुट कर देंगे, देन ये हो जाएगा पी टू इज इक्वल्स टू 3 सी टू पी पावर। और यहाँ पे स्टूडेंट्स पी और क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, पी इज इक्वल्स टू 1/2 है, क्यू इज इक्वल्स टू 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर इंटू क्यू की जगह पे 1/2 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। इसको स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी निकल के आगे स्टूडेंट्स हो जाएगी 3c2 को स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा इंटू 1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी वो 3/8 हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से भी हमारा आंसर 3/8 आ रहा था, यहाँ से भी आंसर 3/8 आ रहा है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ 3c2 को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ एन सी आर का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स NCR यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम सॉल्व करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। और NC2 मीन्स 3C2 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स n फैक्टोरियल मीन्स 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल माइनस 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू r फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ से निकल के आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे, 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल स्टूडेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 3 निकल के आता है। तो स्टूडेंट्स NC2 की वैल्यू 3 यहाँ से आई। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन में और किस तरीके से हम सिंपली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से टिपिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एक एग्जांपल और लूंगा जिससे कि आपको क्लियर ठीक से समझ आएगा कि एक्चुअल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एप्लीकेशन क्या होता है और किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं एक क्वेश्चन, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं एक क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हमें देके रखा है, द प्रोबेबिलिटी दैट मैन एज 60 विल लाइव अप टू 70 इज 0.65। स्टूडेंट्स कोई इंसान है स्टूडेंट्स जिसके 60 से 70 साल तक जीने की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है स्टूडेंट्स वो 0.65 देके रखी है, आउट ऑफ 10 मैन स्टूडेंट्स 10 इंसान देके रखे हैं। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी, स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे के रखा है स्टूडेंट एट लीस्ट 7 विल लाइव अप टू 70। स्टूडेंट्स हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एट लीस्ट 7, कम से कम 7 इंसान 70 साल तक जीवित रहे। दूसरे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एग्जैक्टली 9 विल अप टू 70, ना 9 विल अप टू 70 मीन्स 9 इंसान 70 साल तक जीवित रहें। तीसरे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स देके रखा है एट मोस्ट 9 विल लाइव अप टू 70। तीसरे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि अधिक से अधिक 9 लोग 70 साल तक जीवित रहें। तो स्टूडेंट्स इसमें हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करके किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं
इसी को आज हम समझने वाले हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टूडेंट्स हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें एन की वैल्यू दे के रखी है, एन की वैल्यू नंबर ऑफ ट्राइज जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा होता है, तो एन की वैल्यू स्टूडेंट्स 10 दे के रखी है यहाँ पे हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस स्टूडेंट 0.65 दे के रखी है, तो स्टूडेंट्स पी की वैल्यू यहाँ पे हमें 0.65 दे के रखी है। स्टूडेंट्स हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मीन्स पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 होता है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 है, पी की वैल्यू 0.65 दे के रखी है, प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो क्यू स्टूडेंट्स यहां से निकल के आएगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा 0.35। स्टूडेंट्स एन की वैल्यू हमें मिल गई 10, पी की वैल्यू 0.65 दे के रखी है, क्यू की वैल्यू हमने निकाली 0.35 यहाँ से। स्टूडेंट्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो स्टूडेंट्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स एन सी एक्स पी पावर एक्स इंटू क्यू पावर एन माइनस एक्स, ये स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला होता है। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें दे के रखा है लाइक एट लीस्ट 7 विल लाइव अप टू 70, कम से कम स्टूडेंट्स 7 लोग 70 साल तक जीवित रहें। स्टूडेंट्स किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स n की वैल्यू हमें 10 दे के रखी है यहाँ पे, तो n की जगह हम 10 पुट करेंगे सी एक्स इंटू पी की वैल्यू स्टूडेंट 0.65 दे के रखी है, 0.65 रेस्ट टू एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स क्यू की वैल्यू स्टूडेंट 0.35 दे के रखी है, तो क्यू की वैल्यू पुट करेंगे 0.35, एन की वैल्यू 10 दे के रखी है, तो यहाँ से हो जाएगा 10 माइनस एक्स। यहाँ से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू इतना निकल के आ गया यहाँ पे स्टूडेंट्स एट लीस्ट 7 विल लाइव अप टू 70 मीन्स स्टूडेंट्स कम से कम 7 लोग 70 साल तक जीवित रहें, तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 प्लस पी 8 प्लस पी 9 प्लस पी 10, इसकी स्टूडेंट्स हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे, चलिए स्टूडेंट्स इसको देखते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स पी 7 प्लस पी 8 प्लस पी 9 प्लस पी 10, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पी 7 निकल के आएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टूडेंट्स एक्स की जगह पे 7 पुट कर देंगे, तो यहाँ से स्टूडेंट्स एक्स जहाँ है वहाँ हम 7 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 सी 7 0.65 रेस्ट टू 7 0.35 पावर 10 माइनस 7 स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 3, प्लस स्टूडेंट्स एक्स की जगह पे हम 8 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 सी 8 0.65 रेस्ट टू पावर 8 इंटू 0.35 पावर 2, प्लस स्टूडेंट्स यहां से हम एक्स की जगह पे 9 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 सी 9 0.65 रेस्ट टू पावर 9 0.35 पावर 1, प्लस स्टूडेंट्स यहां से हम n की जगह पे 10 पुट करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 10 सी 10 इंटू 0.65 रेस्ट टू पावर 10 इंटू 0.35 रेस्ट टू पावर 0, ये स्टूडेंट्स यहां से निकल के आएगा। और स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी स्टूडेंट्स यहां पे हमें कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाएगी, तो स्टूडेंट्स इसको इसका जो आंसर निकल के आएगा यहां से मैं आपको बता दूं, इसका आंसर जो निकल के आएगा स्टूडेंट्स वो 0.5139, ये स्टूडेंट्स इसका यहाँ से आंसर निकल के आएगा। स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर का यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा टिपिकल हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इसका जो फर्स्ट वाला है एटलीस्ट 7 विल लाइव अप टू 70, कम से कम 7 लोग 70 साल तक जीवित रहें, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी स्टूडेंट्स वो 0.5139 होगी। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एग्जैक्टली 9 विल लाइव अप टू 70, स्टूडेंट्स 9 लोग 70 साल तक जीवित रहें इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो स्टूडेंट्स हमें मींस पी 9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, तो स्टूडेंट्स यहाँ से डायरेक्ट हम पी 9 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 सी 9
0.65:2। यहाँ से स्टूडेंट्स x की वैल्यू 9 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9:0.35:2। n-10 x करेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1। तो P9=2 इतना निकल के आएगा स्टूडेंट्स। इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प से स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर निकल के आएगा मैं आपको बता दूँ, वो होगा 0.0725। ये स्टूडेंट्स यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आई, मीन्स स्टूडेंट्स एग्जैक्टली 9 विल लाइव अप टू 70। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी स्टूडेंट्स वो होगी 0.0725। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, एट मोस्ट 9 विल लाइव अप टू 70। स्टूडेंट्स अधिक से अधिक 9 लोग 70 साल तक जीवित रहें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स इसको मैं सॉल्व करता हूँ ऊपर यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट्स इसको मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, एट मोस्ट 9 विल लाइव अप टू 70। स्टूडेंट्स अधिक से अधिक 9 लोग 70 साल तक जीवित रहें, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स मींस अधिक से अधिक 9 लोग जीवित रहें, मींस पी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 9। मींस या तो स्टूडेंट्स हम इसको निकाल लें P1+P2+P3+P4+P5 up to P9 तक स्टूडेंट्स इसको हम निकालें और उन सबको ऐड करें प्रोबेबिलिटी को, तो स्टूडेंट्स यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर स्टूडेंट्स एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं पी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 9 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 1-P x is greater than 9। स्टूडेंट्स इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई थिंक इस तरीके से सॉल्व करना ज़्यादा इजी रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1-P x is greater than 9। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1-P x is greater than 9, मतलब मीन स्टूडेंट्स P10 होगा। P10 की वैल्यू यहाँ से हमें निकाल ली है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक्स की जगह 10 पुट कर देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा P10 निकालने के लिए स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 10C। एक्स की जगह 10 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10C 10। 0.65 एक्स की जगह 10 पुट किया 0.35 रेस्ट टू पावर एन माइनस एक्स है तो स्टूडेंट्स 10-10 पावर 0 हो जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ से स्टूडेंट्स इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा स्टूडेंट्स 1-10C 10 0.65 raised to power 10, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। और यहाँ से स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा तो आंसर निकल के आएगा स्टूडेंट्स जो फाइनली वो होगा 0.9865। ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, मीन्स स्टूडेंट्स एट मोस्ट 9 विल लाइव अप टू 70, अधिक से अधिक 9 लोग 70 साल तक जीवित रहें, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.9865 होगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और काफ़ी इजीली स्टूडेंट्स हम डिफिकल्ट क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं यहाँ पे, और क्या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एप्लीकेशन होता है, और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच।